अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें आज मैं आपको एक नई रेसिपी, नई तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक मज़ेदार सी रेसिपी आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी है और झटपट में बन जाने वाली है। तकरीबन आपको राउंड अबाउट 10 मिनट्स लगेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ चिकन को गलने के लिए। तो चलते हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच मैंने ली हूँ घी, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून बटर या घी या ऑयल जो भी, ठीक है। और उसके साथ 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए, हाँ 30 सेकेंड्स के लिए इसको बस सॉटे कर लेना है। और इसके अंदर डाल देना है 1/2 kg बोनलेस चिकन, बोनलेस आप चाहें तो हड्डी वाला ले लें, आप चाहें तो बोन्स के साथ ले लें, आप चाहें तो बोन्स के बगैर ले लें। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ये भी सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है चिकन को, ताकि चिकन जो है इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। और कलर चेंज करने के बाद हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले, ताकि जो है इसका फ्लेवर इन्हेंस हो सके। मिक्सी करके इसको अच्छे से अब इसके अंदर डाल देते हैं नमक, मिर्च और हल्दी। नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून, मिर्चें भी डाल दी 1 टीस्पून और हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, या आप चाहें तो 1 टीस्पून भी हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और हल्दी से क्या होगा, इसका बहुत ही खूबसूरत सा येलो सा कलर आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो अच्छे से मिक्सी करके इसको 2 मिनट के लिए पका लेना है। और फिर इसके अंदर 2 टमाटर काट के और 4 मिर्चें, हरी मिर्चें काट के डाल देनी है। बहुत ही जो है ये अच्छी लगती हैं। इसको अच्छे से मिक्सी करके हम लोगों ने मिक्स करके तो जो है थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको भी, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे। तो तकरीबन कितने मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए गोश्त को पकाते हुए। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर तो नहीं है, और साथ ही साथ ज़ीरा 1 टेबल स्पून है हमारे पास धनिया और ज़ीरा, और साथ ही साथ जो है 1 टीस्पून हमारे पास है चाट मसाला। इसके वो ढक देते हैं और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे अगर डालना हो तो, नहीं डालना तो वो भी ओके है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा जुलियन कटा हुआ अदरक डाल लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे, और ये आपकी चीज़ रेडी है। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अदरक भी गल जाए और थोड़ा सा धनिया जो है वो भी मिक्स हो जाए। लेकिन वैसे आपकी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, चाहें तो लेमन जूस डालें इस पर, चाहे तो इसके अंदर और जितने मसाले डालें, ये आपकी चॉइस है। और जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको एक बार, ताकि ये ज़बरदस्त हो जाए। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी, झटपट सी रेसिपी, मज़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।